हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली क्या होती है। तो सबसे पहली बात यह है कि एवरेज वेलोसिटी होती है, ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एवरेज वेलोसिटी आप कैलकुलेट करना जानते हैं। अगर नंबर के टर्म से है, नंबर के टर्म से मान लीजिए, सपोज दैट कि कैपिटल एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? वी डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस डॉट 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 वी एन डिवाइड बाई एन। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इफ नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज गिवेन एंड वी वांट टू फाइंड एवरेज, फर्स्ट डिवाइड ऑल द नंबर्स एंड एड ऑल द नंबर्स एंड डिवाइड टोटल नंबर्स। दिस इज द एवरेज, वी वन वी टू कितने तक, एन तक। दिस इज द कैपिटल एन, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ एवरेज। ओके, पहली जो ग्राफ है, सॉरी पहली जो डायग्राम है यहाँ पे, वो एक कंडक्टर की है, और इस तरह से कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में हमने क्या किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया। मतलब ये हुआ कि एक मेटल वायर से आपने एक सेल को नहीं जोड़ा है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या है, जीरो आएगा। ये जो सेल है, ये सेल क्या करता है, इस मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ है। आपको पता है कि इसमें मेटल में या इस कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, यहाँ से सपोज चलना स्टार्ट किए, यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ चले गए, है ना, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ सकते हैं, कभी ना कभी उसी जगह पर फिर आ जाएंगे। समझे बात को आप? तो कहने का मतलब हुआ इसका कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, समझिएगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो जब इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो इनिशियल जो इसका सेंटर ऑफ मास है, वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जितने भी इनिशियली है या इनिशियल इसका एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स का, वो सब क्या होंगे, सब जीरो हो जाएंगे। करेक्ट, ये बात आप समझ गए। ओके, दूसरी बार हम क्या कर रहे हैं कि दूसरी बार इस जो ये स्विच है एस, इसको क्लोज कर देते हैं, तो क्या होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूँगा, एकदम छोटी सी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, यहाँ पर सेल कनेक्ट करेंगे, तो इस तरह से आपको पता है कि इसमें करंट आ जाती है, इसमें करंट। हम यहाँ करंट की बात कर नहीं रहे हैं, हम यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो होगा क्या कि इस कंडक्टर में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ भी क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, ये निगेटिव है तो यहाँ भी क्या है, निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये है कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट में क्यों हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे चार्ज है, और जब चार्ज क्या रहती है बच्चों, पॉजिटिव रहती है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अगर आप देते हैं, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं कि इधर एक फोर्स लगता है, और अगर निगेटिव होगा तो इसमें फोर्स क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा लगेगा। करेक्ट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स सब इधर लगेगा। कहने का मतलब है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब इधर आएंगे, और इसमें है ना करंट क्या करेगी, उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करती है। जैसा कि आप पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो करंट के अपोजिट होती है, मतलब कि आप करंट की डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि करंट की डायरेक्शन जो होती है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की होती है। मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करनी है, यहाँ पर मुझे करंट की बात नहीं करनी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी होगी, इसकी होगी, ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन की ही वेलोसिटी को हम लोग है ना, जब एवरेज वेलोसिटी होती है वो ड्रिफ्ट होती है। इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, सबकी अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन बहुत स्लाइटली डिफरेंस होगी, डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगी, बहुत कम डिफरेंस होगी। ऐसा नहीं कि इसका है मान लीजिए 2 मिलीमीटर पर सेकेंड तो इसका है 100 मिलीमीटर पर सेकेंड, नहीं ऐसा नहीं होगा। जब एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो सभी का सेम आएगा। ऐसा मान लीजिए कि इसका 4 है तो इसका 2 हो गया, तो इसका 6 हो गया, इस तरह से वैल्यू होगा, फिर इसका 2 हो गया, अगला का फिर 4 हो गया, इस तरह से इसी के आसपास 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, इसी के 8 नहीं होगा, मतलब इसी के आसपास घूमता रहेगा। इसका एवरेज निकालना हम लोग को काफ़ी आसान होगी। ओके, तो क्या करता हूँ मैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी वन लिखेंगे, यू वन इनिशियल वेलोसिटी उसका रहा होगा, अब प्लस क्या लिखेंगे, उसका एक एक्सेलरेशन रहा होगा, यहाँ पर टी वन लिखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है,
T1। अब एक्सेलरेशन क्यों मैंने कांस्टेंट कर दिया भाई, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। देखो ए फिजिकल टू क्या होगी, इसकी मास भी होगी, इसकी मास होगी, तो क्या लिखेंगे बच्चों, एफ इक्वल टू आप क्या लिखते हो, एम इंटू ए लिखते हो, और यहाँ पर क्या लिखोगे, ई इंटू ई लिखोगे, करेक्ट, एम इंटू ए, यहाँ पर चार्ज क्या लिखेंगे, निगेटिव, करेक्ट, तो ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन क्या आ गया, ई ई डिवाइड बाई एम। अब ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स इस पे इस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, अपोजिट में, ये भी बात बोल सकते हो। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी, कैसे, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का मास एम है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ऑल क्वांटिटीज ई कैपिटल ए एंड एम आर कॉन्स्टेंट, सो एक्सेलरेशन इज द कॉन्स्टेंट, एंड वी नो दैट दिस इज द इक्वेशन फॉर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, यू हैव स्टडी इन काइनेमेटिक्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द मोशन फॉर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट, आई विल टॉक आफ्टर सम टाइम्स। ओके, टी वन, दिस इज वी टू, दिस इज यू टू डिवाइड बाई ए अगेन टी टू, ओके, डॉट 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 डॉट, दिस इज द वी एन, वी एन इज इक्वल टू यू यू एन, यू एन प्लस ए वेक्टर अगेन टी एन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, वी हैव रिटन हियर, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी वन प्लस वी टू प्लस अप टू सो ऑन, दिस इज द, वी हैव रिटन ऑलरेडी हियर, ऑलरेडी आप हियर लिखे, आप इसको उतार लो, ठीक है। ओके, अब क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी के जगह पर हमको क्या करना है बच्चों, पुट कर देते हैं, इसी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे, पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए वी डी वेक्टर, दिस इज द वी डी वेक्टर इज इक्वल टू वी वन यू वन वेक्टर प्लस ए वेक्टर एंड टी वन प्लस यू टू वेक्टर प्लस ए एंड टी टू अप टू डॉट 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 डिवाइड बाई कैपिटल एन। नाउ वी डी वेक्टर वी कैन राइट वी टी वेक्टर यू वन वेक्टर प्लस यू टू वेक्टर प्लस डॉट 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 डिवाइड बाई कैपिटल एन। अगेन अगेन एक्सेलरेशन यू वन यू टू टुगेदर एंड ए टी वन ए टी टू ए टी थ्री डॉट 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 ए टी एन आर टुगेदर, सो ए विल बी कॉमन एंड टी वन प्लस टी टू प्लस डॉट 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 टी एन डिवाइड बाई कैपिटल एन। नाउ दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन जिगजैग मैनर, सो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो बिकॉज इलेक्ट्रॉन मूव्स इन जिगजैग पाथ इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट, तो दिस इज द जीरो। नाउ ए इक्वल टू माइनस ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई एम, दिस इज कॉल्ड ए टाउ, दिस इज कॉल्ड ए टाउ, दिस इज ई ई वेक्टर टाउ डिवाइड बाई एम, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। Negative sign indicate that drift velocity in opposite direction of electric field. Suppose that electric field this, direction of current this, and drift velocity is this. Correct? This is the meaning. Minus sign. What is the tau? Tau is the time constant. Time taken between this electron and this electron collide, T1. Again, this electron, T2. Again, this electron and this electron, T3. And again, this electron and this electron, T3, T4, agar agar. But collision is approximately constant. This collision, it depends on the material of conductor, which type of the material we used in circuit. So this is the time constant, depends on material of conductor and temperature. This is the temperature also. टेम्परेचर इंक्रीज करने से फ्रिक्वेंटली जल्दी कोलिजन होने से टाइम कॉन्स्टेंट घट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो टाइम कॉन्स्टेंट क्या करता है बच्चों, घटता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट, मटेरियल पर डिपेंड करेगी, अलग अलग मटेरियल की होगी, जैसे कॉपर का होगा अलग, एल्युमिनियम का हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, उनकी टाइम कॉन्स्टेंट सब अलग अलग होती है। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये बच्चों को समझ में बहुत कम आती है, ऐसे फार्मूला याद रखते हैं। ओके, लेकिन हम लोग को करना क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को करंट डेंसिटी से रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेटेड विद द करंट डेंसिटी, देन आफ्टर डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।